हेलो गाइस, सो आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं TDA एल्गोरिदम, जो कैड सब्जेक्ट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का सब्जेक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बेसिकली DDA एल्गोरिदम यूज़ किसके लिए होता है, सो लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो कैलकुलेट करता है कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ टू मेन बेसिकली टू मेथड्स, दैट इज़ DDA एल्गोरिदम एंड बिशनहाम्स एल्गोरिदम। सो आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं DDA एल्गोरिदम। तो क्या क्या दिया क्वेश्चन में, इंडिकेट विच रास्टर लोकेशन वुड बी चूजन बाई DDA एल्गोरिदम वेन स्कैन कन्वर्टिंग अ लाइन फ्रॉम स्क्रीन कोऑर्डिनेट 1938, मतलब इनिशियल पॉइंट कौन सा है 1938 टू स्क्रीन कोऑर्डिनेट 3852 तक हमें जाना है। स्टार्ट करना है 1938 से, मतलब जैसे कि ये इनिशियल पॉइंट 1938 है और यहाँ से हमें जाना है 38.52 कोऑर्डिनेट के पॉइंट तक। तो बीच बीच में कौन कौन से पॉइंट के थ्रू हमें जाना पड़ेगा। सो एम मतलब स्लोप की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू 38 माइनस 19 डिवाइड बाई 52 माइनस 38। सो हमें मिलेगा एम इज इक्वल्स टू 0.737, वेयर एम इज इक्वल टू एम इज लेस देन वन का क्या मतलब होगा, मतलब एक्स की जो वैल्यू आ गई एक्स आई प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स आई, उसके साथ हम वन ऐड करेंगे और वाई में क्या करेंगे एम ऐड करेंगे। सो इसमें नोट क्या है, अगर एम ग्रेटर देन वन हो तो एक्स आई में एक्स आई प्लस वन अपॉन एम करेंगे और वाई में वाई आई प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, वाई आई प्लस वन। सो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे एक्स वाई कैलकुलेटेड वाई राउंडेड सो एक्स की वैल्यू है 1938, तो 38 जो दिया है वो लिख देंगे पहले, फिर क्या करेंगे 19 के जगह 20 हो जाएगा क्योंकि m लेस देन 1 है। सो क्या होगा, x में डायरेक्टली 1 ऐड होगा और y में क्या ऐड होगा, m ऐड होगा, तो 38.737 तो 39, वैसे ही 1 ऐड होगा और 0.737 होगा और राउंडेड ऑफ मतलब 0.5 से अगर कम हो तो हम यही वाली वैल्यू रखेंगे और 0.5 से ज़्यादा हो तो हम 1 प्लस करके लिख देंगे 39.474, जो 0.5 से लेस है इसलिए हम लिख देंगे 39। फिर 39 यहाँ पे 21 का 22 हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न में हम कैलकुलेट करते जाएंगे और ये कैलकुलेट कब तक हमें करना है, जब तक 38 और 52 नहीं आ जाता तब तक। सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे लाइक दिस, ऐसे करके हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और फाइनली हम कैलकुलेट करते करते आएंगे 38.52 तक। फिर हमें क्या लिखना है, लास्ट में आंसर के तौर पे हमें लिख देना है रास्टर लोकेशन यूजिंग DDA एल्गोरिदम, फिर सारे पॉइंट्स लिख देना 1938, 2039, 2139, 2240, 2341, जितने भी सारे पॉइंट आए हैं 38.52 तक सारे पॉइंट को हम इस तरीके से लिख देंगे। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। अगर आप यहाँ तक कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।